इंदौर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने ध्वजारोहण करते हुए कहा कि एक तरफ नेहरू गांधी की विचारधारा है, वहीं दूसरी तरफ कोटसर कम्युनिस्ट की विचारधारा है। अडानी अंबानी के घर देश की अर्थव्यवस्था गिर भी पड़ी है, देखिए खास रिपोर्ट। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर गांधी भवन पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा का आक्रामक अंदाज भी देखने को मिला। सुरजीत सिंह चड्ढा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ गांधी नेहरू की विचारधारा है, दूसरी तरफ गोडसे और कम्युनिस्ट की विचारधारा। कांग्रेस का परिवार हमेशा सड़कों पर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था अडानी अंबानी के घर गिर भी पड़ी है। जिन्होंने इस देश की कुर्बानी दी थी और अपना सर्वंस इस देश में निछावर किया था, आज हमारे देश का जन्म हुआ है। हम 77 वर्ष पूरे कर चुके हैं और 78 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस देश में तीन विचारधाराएं हैं। हम लोग नेहरू गांधी की विचारधारा के लोग, एक गोडसे की विचारधारा है, एक कम्युनिस्ट की विचारधारा है। तो हम लोगों ने जो विचारधारा को जी रहे हैं, वो विचारधारा इंदिरा जी का जो स्लोगन था कि गरीब का हाथ कांग्रेस के साथ, आज भी हमारे लोग बस्तियों में मोहल्लों में कांग्रेस के लोग संघर्ष करते हैं। निश्चित रूप से मैं अभी एक दिन डिबेट देख रहा था, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, पर चढ़ा के पेश किया जाता है कि बोले नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोदी जी ने। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी 10 साल जेल में भी रहे थे, 10 साल और पूरा कर लेंगे तब रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो कांग्रेस का इतिहास किसी से छुपा नहीं है, हम संघर्षशील लोग हैं। कांग्रेस का परिवार हमेशा सड़कों पर लड़ता आया है। हम लोग सत्ता की दलाली नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा सड़कों पर संघर्ष करते हैं अपने सब साथियों के साथ। आज आप देखिए देश की स्थिति क्या है। अडानी और अंबानी के घर गिर भी पड़ी है पूरे देश की अर्थव्यवस्था। आप रोज देखते हैं कि अडानी का एक डबला आता है, अडानी के हवाई जहाजों पे हमारे देश के बड़े नेता घूमते हैं। तो ये जो देश को बांटने की और बेचने की राजनीति आज हमारे इस देश में हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।